कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। स्पेक्टिकल्स है तो उसे निकाल दीजिए और अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। देखिए अपने सांसों को, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस कैसे आ रही है और जा रही है इस पे ध्यान दीजिए, इस पे फोकस कीजिए। जैसे जैसे आप सांस को भर रहे हैं अपने में, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होती जा रही है, और जैसे जैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं, आपकी बॉडी से, आपके माइंड से टेंशन, वरीज रिलीज हो रही है। एक गहरी सांस लीजिए, और ये जो आप सांस ले रहे हैं इसमें आप सिर्फ लव एंड लाइट को इनहेल कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिवनेस को इनहेल कर रहे हैं। आपके टैलेंट को इनहेल कर रहे हैं। और एक्सहेल में जो अनवांटेड चीजें हैं, जो आपको नहीं चाहिए, आपको जो चीजें सर्व नहीं कर रही है, आप उन चीजों को अपने शरीर से निकाल बाहर कर रहे हैं। डीप ब्रीथ इन एंड एक्सहेल, डीप ब्रीथ इन एंड एक्सहेल, डीप ब्रीथ इन एंड एक्सहेल। अब आप ऐसा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके फोर्थ चक्र से गोल्डन ब्राउन रूट्स निकल रहे हैं और वो धीरे धीरे करके कोर ऑफ द अर्थ जा रही है। और अंदर जा रही है। अब आपको एक ब्राइट शाइनिंग क्रिस्टल दिख रहा है, उनसे परमिशन मांगिए और अपने रूट्स को रैप अप कीजिए। और जैसे ही आप अपने रूट्स को रैप अप करते हैं, मदर अर्थ, मदर क्रिस्टल को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए अपने ओन वर्ड्स में।
अगेन अपने सांसों पर ध्यान दें। मन में कोई भी ख्याल, कोई भी विचार आए तो बस उसे एक्नॉलेज करें, उसके पीछे मत भागें। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। Deep breathe in and deep breathe out. अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक बीच पर हैं। कोई भी बीच हो सकता है, उस बीच में सिर्फ आप अकेले हैं। आप देखें उस बीच को, वो बीच कैसा दिख रहा है, उस बीच में पानी कैसा है, आप कहां पर खड़े हैं उस बीच के। उस बीच के आसपास क्या है, वहां की फीलिंग को महसूस कीजिए। और अब आप आसमान में देखिए, आपको तेज रोशनी वाला सन दिख रहा है। उस सन लाइट को अपने फेस पर महसूस कीजिए और उस प्यारी सी सन लाइट से आप नहा लीजिए। धीरे धीरे करके वो सनलाइट आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रही है। अब सोचो वो सनलाइट की जो लाइट है वो आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और अब आपको एक वाइब्रेशन या टिकलिंग फीलिंग आपको अपने सैक्रल चक्र पर होगी। अब अपना फोकस अपने सैक्रल चक्र पर लाइए। जैसे जैसे ये सनलाइट आपके सैक्रल चक्र पर पड़ रही है, आपकी सैक्रल चक्र बैलेंस होते जा रही है। सैक्रल चक्र के अंदर आपने एक फ्लावर देखा है, वो फ्लावर ऑरेंज कलर का है। जैसे जैसे वो सनलाइट उस सैक्रल चक्र पर पड़ रही है, वो फ्लावर खिल रहा है एंड वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। महसूस कीजिए कि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो रहा है। उस फ्लावर, वो पूरा फ्लावर अच्छे से खिल रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब आप अपना इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको क्या हील करना है।
एक गहरी सांस लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़े। और आप देख रहे हैं कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। अब हम 11 बार सैक्रल चक्र का बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आप उच्चारण कर सकते हैं, कंफर्टेबल है तो कीजिए, वरना फिर इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए अपने सैक्रल चक्र पर। अगर आप इस मंत्र का चैंट करते हैं तो इससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो एक गहरी सांस लीजिए इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए। और बोलिए वापस से सांस लीजिए। और मंत्र का उच्चारण कीजिए। वापस से गहरी सांस लीजिए और उच्चारण कीजिए। इसी तरीके से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। वापस से सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। इसी तरीके से अब आप खुद अपने लिए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और अब उच्चारण कीजिए। वापस से गहरी सांस और उच्चारण कीजिए। Thank you.
समय के लिए अपने इस वाइब्रेशन इस स्थिति में शांत रहिए। अगर आपकी कोई विश है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, वो भी आप इस समय प्रे कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में कि वो आपको मिल गया है। उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रेटफुल होंगे कि आपको आपकी जो डिज़ायर है वो आपको मिल चुकी है। अब आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में वापस आने वाले हैं। अपने बॉडी को अवेयरनेस में लाइए, अपने पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए, अवेयरनेस में लाइए। अपने हेड को लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए, अपने आर्म्स को स्केच कीजिए, और एक ब्यूटीफुल मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच।